Hello everyone, this is Purvi and this video is related to gram-positive cocci, the staphylococci, the streptococci and the streptococcus pneumoniae. So, ये वीडियो सबके लिए काफी हेल्पफुल है, बट उनके लिए काफी हेल्पफुल है जो बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़ने के बाद मॉर्फोलॉजी, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, लेबोरेटरी डायग्नोसिस या रेजिस्टेंस इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं. पर इस वीडियो को देखने के बाद स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं होगा. सो हम इस वीडियो को मॉर्फोलॉजी, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, बायोकेमिकल रिएक्शंस, रेजिस्टेंस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस ये सारी सब हेडिंग्स के अंदर देखने वाले हैं. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन तीनों को मैंने एक टैबलेट फॉर्म में लिख रखा है. और टैबलेट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों को मैंने यहाँ पे कंपैरिजन में लिख रखा है. और चीज़ें जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो डाउट कम होता है और समझ में ज़्यादा आती है. सो कंटिन्यू करते हैं. ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कि स्टेफिलोकोकस जो होते हैं वो ग्रेप लाइक बंचेस में होते हैं. स्टेफिलो का लिटरल मीनिंग ही बंचेस होता है. स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं चेन ऑफ पेयर्स में, एंड जो निमोकोकस होते हैं वो पेयर्स में होते हैं. क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं इसलिए हम इनको डिप्लोकोकस कहते हैं. और दो इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये लैंसुलेट अपीयरेंस शो करते हैं. तो स्टेफिलोकोकस जो होते हैं वो बंचेस में इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो सेल डिविजन है वो थ्री एक्सिस में है. ये एक सेल है और इनका जो सेल डिवीजन हो रहा है वो थ्री एक्सिस में है. और जो इनके डॉटर सेल्स हैं ये इनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं. तो ये ऐसे क्लस्टर लाइक अपीयरेंस देते हैं. एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं पर कुछ ऐसा ही अपीयरेंस होता है. जो स्टेफिलोकोकस है वो चेन ऑफ पेयर्स में होते हैं क्योंकि इनका जो सेल डिवीजन है वो सिंगल एक्सिस में हो रहा होता है. और इनके जो डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये चेन ऑफ पेयर्स में ग्रो करते हैं. और जो डिप्लोकोकस है वो लैंसुलेट अपीयरेंस शो करते हैं. लैंसुलेट अपीयरेंस मतलब कि एक साइड से ये ब्रॉड होते हैं और एक साइड से ये नैरो होते हैं. तो इसे लैंसुलेट अपीयरेंस कहते हैं. और ये पेयर्स में होते हैं इसलिए डिप्लोकोकस होते हैं. मतलब एक साइड से ऐसे ब्रॉड होंगे और ऐसे आगे से थोड़े से नैरो हो जाएंगे, और इसमें भी ऐसे थोड़े से ब्रॉड होंगे और आगे से थोड़े से ऐसे नैरो हो जाएंगे. अभी मैं इमेजेस दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. सो ये ऐसे करके ऐसे होते हैं निमोकोकस, इसलिए इनको डिप्लोकोकस भी बोलते हैं. तो मॉर्फोलॉजी काफ़ी इजी है कि ग्रेप लाइक बंचेस में होते हैं, चेन ऑफ पेयर्स में होते हैं, निमोकोकस जो होते हैं लैंसुलेट अपीयरेंस शो करते हैं. क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है. सो आई होप कि मॉर्फोलॉजी तो क्लियर हो गई होगी. अब हम कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं तो मैंने पहले ब्लड अगार पर लिखा है कि ब्लड अगार पे जो स्टेफिलोकोकस होते हैं वो लार्ज, सर्कुलर, स्मूथ, शाइनी, ओपेक एंड इजली इमर्जिव विजिबल होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बीटा हेमोलिसिस शो करते हैं. जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो भी बीटा हेमोलिसिस शो करते हैं, और जो निमोकोकाई होते हैं वो अल्फा हेमोलिसिस शो करते हैं. तो बीटा हेमोलिसिस, अल्फा हेमोलिसिस क्या है? बीटा हेमोलिसिस क्या होता है कि कंप्लीट हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और अल्फा हेमोलिसिस क्या होता है? पार्शियल हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेमोलिसिस कर देते हैं रेड ब्लड सेल्स का. अल्फा हेमोलिसिस जो होती है, पार्शियल हेमोलिसिस होती है, तो ये ग्रीन डिस्कलरेशन शो करते हैं. अच्छा, जो स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो दोनों बीटा हेमोलिसिस शो करते हैं. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसकी कॉलोनी जो होती है वो लार्ज, सर्कुलर और ओपेक होती है. इसकी कॉलोनी जो होती है पिन पॉइंट स्मॉल होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है. तो ऐसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. ये स्टेफिलोकोकस ऑरिस है की कॉलोनी है ऑन ब्लड अगार पे. और ये आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में है. ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में है और इनकी जो कॉलोनी है वो लार्ज और सर्कुलर है. वेयर एज जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की कॉलोनी होगी ऑन ब्लड अगार पे, ये पिन पॉइंट अपीयरेंस होगी, स्मॉल होगी. और ये दिखेगी चेन में भी है, स्ट्रेन में भी है और पेयर्स में भी है. ठीक है, ये इनके आसपास ये वेल डिफाइंड बीटा हेमोलिसिस दिख रहा है. इसमें भी स्टेफिलोकोकस ऑरिस में भी हमें ये यहाँ पे वेल डिफाइंड बीटा हेमोलिसिस दिख रहा है. और जो
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, ये ग्रीन डिस्कलरेशन देता है और लेंसुलेट अपीयरेंस होती है। ये आगे पीछे से ब्रॉड है, आगे से नैरो है, ये पीछे से ब्रॉड है, आगे से नैरो है, आगे पेयर्स में है, और इसलिए हम इनको डिप्लोकोकाई कहते हैं। इजी। अच्छा, अब इसके बाद कोई आपसे पूछे कि ब्लड अलार्म में हम ब्लड किसका लेते हैं, तो शिप का, हॉर्स का, और शिप, हॉर्स और रैबिट का ब्लड लेते हैं। ह्यूमन ब्लड नहीं लेते। ह्यूमन ब्लड इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो इनकी ग्रोथ में इंटरफेयर कर सकती हैं, इसलिए हम ह्यूमन ब्लड नहीं लेते। स्टेफलोकोकस जो होती है वो ब्लड अगार के अलावा मैकॉन्की पे कॉलोनी शो करती है, क्योंकि वो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, तो इसलिए वो पिंक कलर कॉलोनी शो करते हैं और मैकॉन्की अगार। अच्छा, न्यूट्रिएंट अगार पे भी स्टेफलोकोकस ऑरिस जो है वो कॉलोनी होती है, सेम कॉलोनी होती है, लार्ज सर्कुलर स्पूस शाइनी ओपेक एंड एसली मास पॉसिबल, पर उस पे बीटा हीमोलिसिस नहीं होती। ऑब्वियसली बीटा हीमोलिसिस नहीं होगी, बीटा हीमोलिसिस रेड ब्लड सेल्स की हीमोलिसिस होती है, तो वो सिर्फ ब्लड अगार पे ही शो होगी, इसलिए बीटा हीमोलिसिस का पॉइंट हम न्यूट्रिएंट अगार पे नहीं लिखेंगे, बाकी सारा सिमिलर होता है। तो स्टेफलोकोकस ऑरिस जो होते हैं न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार और मैकॉन्की अगार, तीनों पे कॉलोनी देते हैं। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक हो गए। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीटा हीमोलिसिस अल्फा हीमोलिसिस ही है। अब उसके बाद हम बायोकेमिकल रिएक्शंस पे चलते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट की क्या जरूरत है? तो बायोकेमिकल रिएक्शंस की ये इंपॉर्टेंस है कि पहले तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में डिफरेंशिएट करता है सी, स्टेफलोकोकस जो है वो कैटलिस्ट पॉजिटिव है, वेयर एज स्ट्रेप्टोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई जो है वो कैटलिस्ट नेगेटिव है, और ये स्पीसीज में भी डिफरेंशिएट करता है। अच्छा, ये जो मैंने बायोकेमिकल रिएक्शंस लिख रखे हैं ये स्टेफलोकोकस ऑरिस के रिस्पेक्ट में लिख रखे हैं। जो स्टेफलोकोकस ऑरिस है वो कैटलिस्ट पॉजिटिव देता है, हाइड्रोलाइज करता है यूरिया, रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स, एमआर पॉजिटिव, बीबी पॉजिटिव, इंडोल नेगेटिव। अच्छा, मैंने ये कहा कि ये सिर्फ स्टेफलोकोकस ऑरिस के रिस्पेक्ट में लिख रखा है क्योंकि कुछ स्पीसीज होती हैं स्टेफलोकोकाई की ही जो कुछ टेस्ट इनमें से नेगेटिव देती है। जैसे कि मैं बताती हूँ, जो स्टेफलोकोकाई है उसमें कुछ स्पीसीज स्टेफलोकोकस ऑरिस और एक और स्पीसीज का मैं एग्जांपल दूं तो स्टेफलोकोकस इंटरमीडियस, ये दोनों कोगुलेंट टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं, पर जो स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस है, हिमोलिटिकस है एंड सेप्रोफाइटिकस है, ये तीनों कोगुलेंट टेस्ट नेगेटिव दे रहे हैं। अच्छा, अब मैंने ये बताया आपको कि स्टेफलोकोकस ऑरिस एंड स्टेफलोकोकस इंटरमीडियस ये दोनों कोगुलेंट टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं, तो हम इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो जो स्टेफलोकोकस ऑरिस है वो बीपी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव दे रही है, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है वो बीपी टेस्ट नेगेटिव देती है। हम एपिडर्माइटिस और स्टेफलोकोकस ऑरिस को और भी चीजों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेफलोकोकस ऑरिस जो है वो बीटा हीमोलिसिस देती है ऑन ब्लड अगार पे, लेकिन एपिडर्माइटिस जो है वो बीटा हीमोलिसिस नहीं देती है, और स्टेफलोकोकस ऑरिस जो है वो गोल्डन येलो कलर पिगमेंट शो करती है पर एपिडर्माइटिस नहीं करती है। तो ऐसे हम स्पीसीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम अगर स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकाई में ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव देते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो फर्मेंट करते हैं सर्वर सुगर्स को प्रोड्यूसिंग एसिड बट नो गैस, तो ये फर्मेंट करते हैं शुगर्स को। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकाई पायरेंस की स्पेसिफिकली बात करें तो वो राइबोस फर्मेंटेड नहीं होते, वो बाकी शुगर्स को फर्मेंट करते हैं पर राइबोस फर्मेंटेड नहीं होते, तो ऐसे हम स्ट्रेप्टोकोकस पायरेंस को अलग कर सकते हैं बाकी स्पीसीज से। कुछ स्पीसीज होंगी जो राइबोस फर्मेंट कर रही होंगी तो उनसे हम इन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायरेंस जो होते हैं वो पी वाई आर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, पर कुछ स्पीसीज होती हैं स्ट्रेप्टोकोकाई की जो पी वाई आर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती हैं। अच्छा, एक और स्पीसीज है स्ट्रेप्टोकोकाई की जिसका नाम होता है विरिडियंस स्ट्रेप्टोकोकाई, वो ग्रीन डिस्कलरेशन ही देती है ऑन ब्लड अगार पे, तो उसको हम निमोकोकाई से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इन सारे टेस्ट से, बायो सोल्युबिलिटी टेस्ट, ऑप्टोजन सेंसिटिविटी टेस्ट, इंसुलिन फर्मेंटेशन टेस्ट, निमोकोकाई ये सारे टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देता है, व्हेयरस विरिडियंस स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो ये सारे टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। इक्वेलेंट टेस्ट भी होता है जो कि निमोकोकाई जो है वो पॉजिटिव देता है, लेकिन इक्वेलेंट टेस्ट जो विरिडियंस स्ट्रेप्टोकोकाई है वो निगेटिव देता है। अच्छा, दोनों के मॉर्फोलॉजी में भी एक डिफरेंस है कि जो निमोकोकाई होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, पर जो विरिडियंस स्ट्रेप्टोकोकाई है वो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, तो ऐसे हम डिफरेंट स्पीसीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट स्पेसिफिकली, लेकिन कुछ कुछ मॉर्फोलॉजी में भी और कुछ कुछ कल्चर के टेस्ट में भी डिफरेंस होता है।
इसलिए हमारे लिए बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये वीडियो अब काफी लंबा हो रहा है, तो बाकी का पार्ट जो कि रेजिस्टेंस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।